लुधियाना शहर के ओसवाल परिवार के स्वर्गीय अभय ओसवाल की पोती वसुंधरा ओसवाल युगांडा देश दे विच लापता है। एक नहीं दो नहीं बल्कि 17 दिन तो वह लापता ने। कोई भी कॉन्टैक्ट जिहड़ा फिलहाल की घड़ी दे विच नहीं किया जा सकिया। कली कली गल जिहड़ी इस खबर नूं लैके तुहाडे नाल जरूर ही सांझा करांगे। दस दिए कि सेंटा ग्रीन टाउनशिप के मालक स्वर्गीय अभय ओसवाल की पोती ने वसुंधरा ओसवाल जो कि देख सकते हैं कि युगांडा देश दे विच फिलहाल की घड़ी दे लई लापता ने। कली कली गल जरूर ही दसांगे तुहानू। भारतीय मूल दे उद्योगपति पंकज ओसवाल ने युगांडा दे खिलाफ संयुक्त राष्ट्र दे विच अपील दायर कीती है। मीडिया रिपोर्टा दे मुताबिक उसने दावा कीता है कि उसकी 26 साल ती वसुंधरा ओसवाल पिछले 17 दिन तो युगांडा दे विच गैर कानूनी ढंग दे नाल नजर पांद है। उते उस नाल माड़ा सलूक किया जा रहा है। असीं नहीं कह रहे बल्कि यह तमाम गल्लां जिहड़ियां ने चर्चावां ने अगे यह भी जरूरी दस दिए कि चर्चावां सामने आ रही ने कि पंकज ने संयुक्त राष्ट्र के कारज समूह के सामने अपील दायर करते हुए कहा है कि वह वसुंधरा नाल संपर्क करन दे योग नहीं ने ते ना ही उन्हां नूं कानूनी मदद मिल रही है। अजे तक भारत सरकार जां संयुक्त राष्ट्र के किसी अधिकारी ने इस मामले ते कोई भी टिप्पणी नहीं की है। पंकज ओसवाल दी ती पीआरओ इंडस्ट्रीज की कार्यकारी निर्देशक है ते कंपनी दे मामलियां नूं संभालदी है। उसका युगांडा दे विच वी कारोबार है। रिपोर्टा दे मुताबिक वसुंधरा नूं युगांडा दे ओसवाल दे प्लांट तो करीब 20 हथियारबंद व्यक्तियां ने फड़ लिया सी। गिरफ्तार किए जाने तो पहला उसने अपनी पछाण जां वारंट नहीं दिखाया। पंकज ने यह भी दावा किया कि कारपोरेट ते सियासी हेराफेरी कारण उसकी धी की गिरफ्तारी हुई है। उस विरुद्ध कोई सबूत नहीं है, इसलिए उस नूं गैर कानूनी तौर पर हिरासत दे विच रखा गया। तो कुल मिला के इस वेले की सब तो वड्डी खबर सामने आ रही है। लुधियाना शहर के ओसवाल परिवार के स्वर्गीय अभय ओसवाल की पोती इस वेले युगांडा देश दे विच लापता है। हालांकि सारिया चर्चावां जिहड़ियां ने फिलहाल की घड़ी दे विच सामने आ रही ने, यह भी गल्लां देखियां जा सकदियां ने कि पंकज ओसवाल का कहना है कि एक साबका कर्मचारी ने ओसवाल के परिवार के नाल गरेंटर वजो $2,00,000 का कर्जा लिया। जो ओसवाल परिवार ने गरेंटी लैण तो इनकार कर दिता तो उसने वसुंधरा से झूठे दोष लगा दते। बाद व्यक्ति युगांडा भज गया। हुण देख सकते हैं कि जेड़े वसुंधरा ओसवाल ने युगांडा दे विच लापता ने। फिलहाल दी कड़ी दे विच कोई भी मदद जेड़ी है परिवार नूं नहीं मिल पा रही है। अगे की कुछ कदम जेड़े ने चुके जाणगे इह आउण वाले समें दे विच ही पता लगेगा। पर फिलहाल दी कड़ी दी सब तो वड्डी अपडेट जेड़ी है देखण नूं मिल रही है कि लुधियाना शहर दे ओसवाल परिवार दे जेड़े स्वर्गीय अभय ओसवाल ने उन्हां दी पोती युगांडा देश दे विच लापता है। अगे की कुछ होएगा इस मामले दे विच इह आउण वाले समें दे विच देखणा होवेगा। लुधियाना शहर के ओसवाल परिवार के स्वर्गीय अभय ओसवाल की पोती वसुंधरा ओसवाल युगांडा देश दे विच लापता है। एक नहीं दो नहीं बल्कि 17 दिन तो वह लापता ने। कोई भी कॉन्टैक्ट जिहड़ा फिलहाल की घड़ी दे विच नहीं किया जा सकिया। तो कली कली गल जिहड़ी इस खबर नूं लैके तुहाडे नाल जरूर ही सांझा करांगे। दस दिए कि सेंटा ग्रीन टाउनशिप के मालक स्वर्गीय अभय ओसवाल की पोती ने वसुंधरा ओसवाल जो कि देख सकते हैं कि युगांडा देश दे विच फिलहाल की घड़ी दे लई लापता ने। कली कली गल जरूर ही दसांगे तुहानू। भारतीय मूल दे उद्योगपति पंकज ओसवाल ने युगांडा दे खिलाफ संयुक्त राष्ट्र दे विच अपील दायर कीती है। मीडिया रिपोर्टा दे मुताबिक उसने दावा कीता है कि उसकी 26 साल ती वसुंधरा ओसवाल पिछले 17 दिन तो युगांडा दे विच गैर कानूनी ढंग दे नाल नजर पांद है। उते उस नाल माड़ा सलूक किया जा रहा है। असीं नहीं कह रहे बल्कि यह तमाम गल्लां जिहड़ियां ने चर्चावां ने। अगे यह भी जरूरी दस दिए कि चर्चावां सामने आ रही ने कि पंकज ने संयुक्त राष्ट्र के कारज समूह के सामने अपील दायर करते हुए कहा है कि वह वसुंधरा नाल संपर्क करन दे योग नहीं ने ते ना ही उन्हां नूं कानूनी मदद मिल रही है। अजे तक भारत सरकार जां संयुक्त राष्ट्र के किसी अधिकारी ने इस मामले ते कोई भी टिप्पणी नहीं की है। पंकज ओसवाल दी ती पीआरओ इंडस्ट्रीज की कार्यकारी निर्देशक है ते कंपनी दे मामलियां नूं संभालदी है। उसका युगांडा दे विच वी कारोबार है। रिपोर्टा दे मुताबिक वसुंधरा नूं युगांडा दे ओसवाल दे प्लांट तो करीब 20 हथियारबंद व्यक्तियां ने फड़ लिया सी। गिरफ्तार किए जाने तो पहला उसने अपनी पछाण जां वारंट नहीं दिखाया। पंकज ने यह भी दावा किया कि कारपोरेट ते सियासी
हेरा फेरी कारण उसकी धी की गिरफ्तारी हुई है। उस विरुद्ध कोई सबूत नहीं है, इसलिए उसनु गैर कानूनी तौर पर हिरासत विच रखा गया। तो कुल मिला के इस वेले की सब तो वड्डी खबर सामने आ रही है लुधियाना शहर के ओसवाल परिवार के स्वर्गीय अभय ओसवाल की पोती इस वेले युगांडा देश के विच लापता है। हालांकि सारिया चर्चावां जिहड़ियां फिलहाल की घड़ी के विच सामने आ रही ने, यह भी गल्लां देखियां जा सकदियां ने कि पंकज ओसवाल का कहना है कि एक साबका कर्मचारी ने ओसवाल के परिवार के नाल गरेंटर वजो $2 लाख का कर्जा लिया। जो ओसवाल परिवार ने गरेंटी लैण तो इनकार कर दिता तो उसने वसुंधरा से झूठे दोष लगा दिते। बाद विच ओ व्यक्ति युगांडा भज गया। हुण देख सकते हैं कि जेडे वसुंधरा ओसवाल ने युगांडा दे विच लापता ने। फिलहाल की कड़ी दे विच कोई भी मदद जेड़ी है परिवार नू नहीं मिल पा रही है। अगे की कुछ कदम जेड़े ने चुके जाणगे ए आउण वाले समय दे विच ही पता लगेगा। पर फिलहाल की कड़ी दी सब तो वड्डी अपडेट जेड़ी है देखण नू मिल रही है कि लुधियाना शहर दे ओसवाल परिवार दे जेड़े स्वर्गीय अभय ओसवाल ने उन्हां दी पोती युगांडा देश दे विच लापता है। अगे की कुछ होएगा इस मामले दे विच ए आउण वाले समय दे विच देखना होवेगा। लुधियाना शहर के ओसवाल परिवार के स्वर्गीय अभय ओसवाल की पोती वसुंधरा ओसवाल युगांडा देश दे विच लापता है। एक नहीं दो नहीं बल्कि 17 दिनों तो वह लापता ने। कोई भी कॉन्टैक्ट जिहड़ा फिलहाल की घड़ी दे विच नहीं किया जा सकिया। तो कली कली गल जिहड़ी है इस खबर नूं लैके तुहाडे नाल जरूर ही सांझा करांगे। दस दिए कि सेंट्रा ग्रीन टाउनशिप के मालक स्वर्गीय अभय ओसवाल की पोती ने वसुंधरा ओसवाल जो कि देख सकते हैं कि युगांडा देश दे विच फिलहाल की घड़ी दे लई लापता ने। कली कली गल जरूर ही दसांगे तुहानू। भारतीय मूल दे उद्योगपति पंकज ओसवाल ने युगांडा दे खिलाफ संयुक्त राष्ट्र दे विच अपील दायर की है। मीडिया रिपोर्टा दे मुताबिक उसने दावा किया कि उसकी 26 साल धी वसुंधरा ओसवाल पिछले 17 दिनों तो युगांडा दे विच गैर कानूनी ढंग दे नाल नजरबंद है। उते उस नाल माड़ा सलूक किया जा रहा है। यह असी नहीं कह रहे बल्कि यह तमाम गल्लां जेड़ियां ने चर्चावां ने। अगे यह भी जरूरी दस दिए कि यह भी चर्चावां सामने आ रही ने कि पंकज ने संयुक्त राष्ट्र के कारज समूह के सामने अपील दायर करते हुए कहा है कि वह वसुंधरा नाल संपर्क करन दे योग नहीं ने ते ना ही उन्हां नू कानूनी मदद मिल रही है। अजे तक भारत सरकार जां संयुक्त राष्ट्र के किसी अधिकारी ने इस मामले ते कोई भी टिप्पणी नहीं की है। पंकज ओसवाल की धी PRO इंडस्ट्रीज की कार्यकारी निर्देशक है ते कंपनी दे मामलियां नू संभालदी है। उसका युगांडा दे विच भी कारोबार है। रिपोर्टा दे मुताबिक वसुंधरा नू युगांडा दे ओसवाल दे प्लांट तो करीब 20 हथियारबंद व्यक्तियां ने फड़ लिया सी। गिरफ्तार किए जाने तो पहला उसने अपनी पछाण जां वारंट नहीं दिखाया। पंकज ने यह भी दावा किया है कि कारपोरेट ते सियासी हेरा फेरी कारण उसकी धी की गिरफ्तारी हुई है। उस विरुद्ध कोई सबूत नहीं है, इसलिए उसनु गैर कानूनी तौर पर हिरासत विच रखा गया। तो कुल मिला के इस वेले की सब तो वड्डी खबर सामने आ रही है लुधियाना शहर के ओसवाल परिवार के स्वर्गीय अभय ओसवाल की पोती इस वेले युगांडा देश दे विच लापता है। हालांकि सारिया चर्चावां जिहड़ियां ने फिलहाल की घड़ी के विच सामने आ रही ने, यह भी गल्लां देखियां जा सकदियां ने कि पंकज ओसवाल का कहना है कि एक साबका कर्मचारी ने ओसवाल के परिवार के नाल गरेंटर वजो $2 लाख का कर्जा लिया। जो ओसवाल परिवार ने गरेंटी लैण तो इनकार कर दिता तो उसने वसुंधरा से झूठे दोष लगा दिते। बाद विच ओ व्यक्ति युगांडा भज गया। हुण देख सकते हैं कि जेड़े वसुंधरा ओसवाल ने युगांडा दे विच लापता ने। फिलहाल की कड़ी दे विच कोई भी मदद जेड़ी है परिवार नू नहीं मिल पा रही है। अगे की कुछ कदम जेड़े ने चुके जाणगे ए आउण वाले समय दे विच ही पता लगेगा। पर फिलहाल की कड़ी दी सब तो वड्डी अपडेट जेड़ी है देखण नू मिल रही है कि लुधियाना शहर दे ओसवाल परिवार दे जेड़े स्वर्गीय अभय ओसवाल ने उन्हां दी पोती युगांडा देश दे विच लापता है। अगे की कुछ होएगा इस मामले दे विच ए आउण वाले समय दे विच देखना होवेगा। लुधियाना शहर के ओसवाल परिवार के स्वर्गीय अभय ओसवाल की पोती वसुंधरा ओसवाल युगांडा देश दे विच लापता है। एक नहीं दो नहीं बल्कि 17 दिनों तो वह लापता ने। कोई भी कॉन्टैक्ट जिहड़ा फिलहाल की घड़ी दे विच नहीं किया जा सकिया। तो कली कली गल जिहड़ी है इस खबर नूं लैके तुहाडे नाल जरूर ही सांझा करांगे। दस दिए कि सेंट्रा ग्रीन टाउनशिप के मालक स्वर्गीय अभय ओसवाल की
पोती ने वसुंधरा ओसवाल जो कि देख सकते हैं कि युगांडा देश के विच फिलहाल की घड़ी के लिए लापता ने कली कली गल जरूर ही दसांगे तुहानू भारतीय मूल के उद्योगपति पंकज ओसवाल ने युगांडा के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के विच अपील दायर की है। मीडिया रिपोर्टा के मुताबिक उसने दावा किया है कि उसकी 26 साल धी वसुंधरा ओसवाल पिछले 17 दिनों तो युगांडा के विच गैर कानूनी ढंग के नाल नजरबंद है। उथे उस नाल माड़ा सलूक किया जा रहा है। असीं नहीं कह रहे बल्कि यह तमाम गल्लां जिहड़ियां ने चर्चावां ने अगे यह भी जरूरी दस दिए कि चर्चावां सामने आ रही ने कि पंकज ने संयुक्त राष्ट्र के कारज समूह के सामने अपील दायर करते हुए कहा है कि वह वसुंधरा नाल संपर्क करन दे योग नहीं ने ते ना ही उन्हां नूं कानूनी मदद मिल रही है। अजे तक भारत सरकार जां संयुक्त राष्ट्र के किसी अधिकारी ने इस मामले ते कोई भी टिप्पणी नहीं की है। पंकज ओसवाल दी धी पीआरओ इंडस्ट्रीज की कार्यकारी निर्देशक है ते कंपनी दे मामलियां नूं संभालदी है। उसका युगांडा दे विच वी कारोबार है। रिपोर्टा के मुताबिक वसुंधरा नूं युगांडा दे ओसवाल दे प्लांट तो करीब 20 हथियारबंद व्यक्तियां ने फड़ लिया सी। गिरफ्तार किए जाण तो पहला उसने अपनी पछाण जां वारंट नहीं दिखाया। पंकज ने यह भी दावा किया कि कारपोरेट ते सियासी हेराफेरी कारण उसकी धी की गिरफ्तारी हुई है। उस विरुद्ध कोई सबूत नहीं है इसलिए उसनु गैर कानूनी तौर पर हिरासत विच रखा गया। ता कुल मिला के इस वेले की सब तो वड्डी खबर सामने आ रही है लुधियाना शहर के ओसवाल परिवार के स्वर्गीय अभय ओसवाल की पोती इस वेले युगांडा देश दे विच लापता है। हालांकि सारिया चर्चावां जिहड़ियां ने फिलहाल की घड़ी सामने आ रही ने यह भी गल्लां देखियां जा सकदियां ने कि पंकज ओसवाल का कहना है कि एक साबका कर्मचारी ने ओसवाल के परिवार के नाल गरेंटर वजो $2,00,000 का कर्जा लिया। जो ओसवाल परिवार ने गरेंटी लैण तो इनकार कर दिता तो उसने वसुंधरा से झूठे दोष लगा दते। बाद व्यक्ति युगांडा भज गया। हुण देख सकते हैं कि जेडे वसुंधरा ओसवाल ने युगांडा दे विच लापता ने फिलहाल दी कड़ी दे विच कोई भी मदद जेड़ी है परिवार नूं नहीं मिल पा रही है। अगे की कुछ कदम जेड़े ने चुके जाणगे ए आउण वाले समय दे विच ही पता लगेगा। पर फिलहाल दी कड़ी दी सब तो वड्डी अपडेट जेड़ी देखण नूं मिल रही है कि लुधियाना शहर दे ओसवाल परिवार दे जेड़े स्वर्गीय अभय ओसवाल ने उन्हां दी पोती युगांडा देश दे विच लापता है। अगे की कुछ होएगा इस मामले दे विच ए आउण वाले समय दे विच देखना होवेगा। लुधियाना शहर के ओसवाल परिवार के स्वर्गीय अभय ओसवाल की पोती वसुंधरा ओसवाल युगांडा देश दे विच लापता है। एक नहीं दो नहीं बल्कि 17 दिनों तो वह लापता ने कोई भी कॉन्टैक्ट जिहड़ा फिलहाल की घड़ी दे विच नहीं किया जा सकिया। तो कली कली गल जिहड़ी है इस खबर नूं लैके तुहाडे नाल जरूर ही सांझा करांगे। दस दिए कि सेंट्रा ग्रीन टाउनशिप के मालिक स्वर्गीय अभय ओसवाल की पोती ने वसुंधरा ओसवाल जो कि देख सकते हैं कि युगांडा देश दे विच फिलहाल की घड़ी के लिए लापता ने कली कली गल जरूर ही दसांगे तुहानू भारतीय मूल के उद्योगपति पंकज ओसवाल ने युगांडा के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के विच अपील दायर की है। मीडिया रिपोर्टा के मुताबिक उसने दावा किया कि उसकी 26 साल धी वसुंधरा ओसवाल पिछले 17 दिनों तो युगांडा के विच गैर कानूनी ढंग के नाल नजरबंद है। उथे उस नाल माड़ा सलूक किया जा रहा है। असीं नहीं कह रहे बल्कि यह तमाम गल्लां जिहड़ियां ने चर्चावां ने अगे यह भी जरूरी दस दिए कि चर्चावां सामने आ रही ने कि पंकज ने संयुक्त राष्ट्र के कारज समूह के सामने अपील दायर करते हुए कहा है कि वह वसुंधरा नाल संपर्क करन दे योग नहीं ने ते ना ही उन्हां नूं कानूनी मदद मिल रही है। अजे तक भारत सरकार जां संयुक्त राष्ट्र के किसी अधिकारी ने इस मामले ते कोई भी टिप्पणी नहीं की है। पंकज ओसवाल दी धी पीआरओ इंडस्ट्रीज की कार्यकारी निर्देशक है ते कंपनी दे मामलियां नूं संभालदी है। उसका युगांडा दे विच वी कारोबार है। रिपोर्टा के मुताबिक वसुंधरा नूं युगांडा दे ओसवाल दे प्लांट तो करीब 20 हथियारबंद व्यक्तियां ने फड़ लिया सी। गिरफ्तार किए जाण तो पहला उसने अपनी पछाण जां वारंट नहीं दिखाया। पंकज ने यह भी दावा किया कि कारपोरेट ते सियासी हेराफेरी कारण उसकी धी की गिरफ्तारी हुई है। उस विरुद्ध कोई सबूत नहीं है इसलिए उसनु गैर कानूनी तौर पर हिरासत विच रखा गया। ता कुल मिला के इस वेले की सब तो वड्डी खबर सामने आ रही है लुधियाना शहर के ओसवाल परिवार के स्वर्गीय अभय ओसवाल की पोती इस वेले युगांडा देश दे विच लापता है। हालांकि सारिया चर्चावां जिहड़ियां ने फिलहाल की घड़ी दे विच सामने आ रही ने यह भी गल्लां देखियां जा सकदियां ने कि पंकज
पंकज ओसवाल का कहना है कि एक साबका कर्मचारी ने ओसवाल के परिवार के नाल गरेंटर वजो 2 लाख डॉलर का कर्जा लिया सी। जदों ओसवाल परिवार ने गरंटी लैण तो इनकार कर दिता तो उसने वसुंधरा ते झूठे दोष लगा दिते। बाद विच ओ व्यक्ति योगांडा भज गया ते हुण देख सकदे आं कि जिहड़े वसुंधरा ओसवाल ने युगांडा दे विच लापता ने। फिलहाल दी कड़ी दे विच कोई भी मदद जिहड़ी है परिवार नूं नहीं मिल पा रही है। अगे की कुछ कदम जिहड़े ने चुके जाणगे इह आउण वाले समें दे विच ही पता लगेगा। पर फिलहाल दी कड़ी दी सब तों वड्डी अपडेट जिहड़ी है देखण नूं मिल रही है कि लुधियाणा शहर दे ओसवाल परिवार दे जिहड़े स्वर्गीय अभय ओसवाल ने उहनां दी पोती युगांडा देश दे विच लापता है। अगे की कुछ होएगा इस मामले दे विच इह आउण वाले समें दे विच देखणा होवेगा। लुधियाणा शहर के ओसवाल परिवार के स्वर्गीय अभय ओसवाल की पोती वसुंधरा ओसवाल युगांडा देश दे विच लापता है। एक नहीं दो नहीं बल्कि 17 दिनों तो वह लापता ने। कोई भी कॉन्टैक्ट जिहड़ा फिलहाल की घड़ी दे विच नहीं किया जा सकिया। तो कली कली गल जिहड़ी है इस खबर नूं लैके तुहाडे नाल जरूर ही सांझा करांगे। दस दिए कि सेंट्रा ग्रीन टाउनशिप के मालक स्वर्गीय अभय ओसवाल की पोती ने वसुंधरा ओसवाल जो कि देख सकते हैं कि युगांडा देश दे विच फिलहाल दी कड़ी दे लई लापता ने। कली कली गल जरूर ही दसांगे तुहानू। भारतीय मूल दे उद्योगपति पंकज ओसवाल ने युगांडा दे खिलाफ संयुक्त राष्ट्र दे विच अपील दायर कीती है। मीडिया रिपोर्टा दे मुताबिक उसने दावा कीता है कि उसकी 26 साला धी वसुंधरा ओसवाल पिछले 17 दिनों तो युगांडा दे विच गैर कानूनी ढंग दे नाल नजर बंद है। उते उस नाल माड़ा सलूक किया जा रहा है। असीं नहीं कह रहे बल्कि यह तमाम गल्लां जिहड़ियां ने चर्चावां ने। अगे यह भी जरूरी दस दिए कि चर्चावां सामने आ रही ने कि पंकज ने संयुक्त राष्ट्र के कार्ज समूह के सामने अपील दायर करते हुए कहा है कि वह वसुंधरा नाल संपर्क करन दे योग नहीं ने ते ना ही उन्हां नूं कानूनी मदद मिल रही है। अजे तक भारत सरकार जां संयुक्त राष्ट्र के किसी अधिकारी ने इस मामले ते कोई भी टिप्पणी नहीं की है। पंकज ओसवाल दी धी पीआरओ इंडस्ट्रीज की कार्यकारी निर्देशक है ते कंपनी दे मामलों नूं संभालदी है। उसका युगांडा दे विच वी कारोबार है। रिपोर्टा दे मुताबिक वसुंधरा नूं युगांडा दे ओसवाल दे प्लांट तो करीब 20 हथियारबंद व्यक्तियां ने फड़ लिया सी। गिरफ्तार किए जाने तो पहला उसने अपनी पछाण जां वारंट नहीं दिखाया। पंकज ने यह भी दावा किया कि कारपोरेट ते सियासी हेराफेरी कारण उसकी धी की गिरफ्तारी हुई है। उस विरुद्ध कोई सबूत नहीं है इसलिए उस नूं गैर कानूनी तौर पर हिरासत दे विच रखा गया। तो कुल मिला के इस वेले की सब तो वड्डी खबर सामने आ रही है लुधियाणा शहर के ओसवाल परिवार के स्वर्गीय अभय ओसवाल की पोती इस वेले युगांडा देश दे विच लापता है। हालांकि सारिया चर्चावां जिहड़ियां ने फिलहाल की घड़ी दे विच सामने आ रही ने यह भी गल्लां देखियां जा सकदियां ने कि पंकज ओसवाल का कहना है कि एक साबका कर्मचारी ने ओसवाल के परिवार के नाल गरेंटर वजो 2 लाख डॉलर का कर्जा लिया सी। जदों ओसवाल परिवार ने गरंटी लैण तो इनकार कर दिता तो उसने वसुंधरा ते झूठे दोष लगा दिते। बाद विच ओ व्यक्ति युगांडा भज गया ते हुण देख सकदे आ कि जिहड़े वसुंधरा ओसवाल ने युगांडा दे विच लापता ने। फिलहाल दी कड़ी दे विच कोई भी मदद जिहड़ी है परिवार नूं नहीं मिल पा रही है। अगे की कुछ कदम जिहड़े ने चुके जाणगे इह आउण वाले समें दे विच ही पता लगेगा। पर फिलहाल दी कड़ी दी सब तों वड्डी अपडेट जिहड़ी है देखण नूं मिल रही है कि लुधियाणा शहर दे ओसवाल परिवार दे जिहड़े स्वर्गीय अभय ओसवाल ने उहनां दी पोती युगांडा देश दे विच लापता है। अगे की कुछ होएगा इस मामले दे विच इह आउण वाले समें दे विच देखणा होवेगा। लुधियाणा शहर के ओसवाल परिवार के स्वर्गीय अभय ओसवाल की पोती वसुंधरा ओसवाल युगांडा देश दे विच लापता है। एक नहीं दो नहीं बल्कि 17 दिनों तो वह लापता ने। कोई भी कॉन्टैक्ट जिहड़ा फिलहाल की घड़ी दे विच नहीं किया जा सकिया। तो कली कली गल जिहड़ी है इस खबर नूं लैके तुहाडे नाल जरूर ही सांझा करांगे। दस दिए कि सेंट्रा ग्रीन टाउनशिप के मालक स्वर्गीय अभय ओसवाल की पोती ने वसुंधरा ओसवाल जो कि देख सकते हैं कि युगांडा देश दे विच फिलहाल दी कड़ी दे लई लापता ने। कली कली गल जरूर ही दसांगे तुहानू। भारतीय मूल दे उद्योगपति पंकज ओसवाल ने युगांडा दे खिलाफ संयुक्त राष्ट्र दे विच अपील दायर कीती है। मीडिया रिपोर्टा दे मुताबिक उसने दावा कीता है कि उसकी 26 साला धी वसुंधरा ओसवाल पिछले 17 दिनों तो युगांडा दे विच गैर कानूनी ढंग दे नाल नजर बंद है।
ਉੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਕਜ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਸੁੰਧਰਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਉਸਵਾਲ ਦੀ ਧੀ PRO ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਸੁੰਧਰਾ ਨੂੰ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇ ਓਸਵਾਲ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਪੰਕਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਓਸਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਅਭੇ ਓਸਵਾਲ ਦੀ ਪੋਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਲਾਪਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਕਜ ਓਸਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਓਸਵਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟਰ ਵਜੋਂ $2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਓਸਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਯੁਗਾਂਡਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਓਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਓਸਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗੀ ਅਭੇ ਓਸਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਤੀ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਲਾਪਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਓਸਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਅਭੇ ਓਸਵਾਲ ਦੀ ਪੋਤੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਓਸਵਾਲ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਲਾਪਤ ਹੈ। ਇਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੈਂਟਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਵਰਗੀ ਅਭੇ ਓਸਵਾਲ ਦੀ ਪੋਤੀ ਨੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਓਸਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੰਕਜ ਓਸਵਾਲ ਨੇ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ 26 ਸਾਲਾ ਧੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਓਸਵਾਲ ਪਿਛਲੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਕਜ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਸੁੰਧਰਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਓਸਵਾਲ ਦੀ ਧੀ PRO ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਸੁੰਧਰਾ ਨੂੰ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇ ਓਸਵਾਲ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਪੰਕਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਓਸਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਅਭੇ ਓਸਵਾਲ ਦੀ ਪੋਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਲਾਪਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਕਜ ਓਸਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਓਸਵਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟਰ ਵਜੋਂ $2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਓਸਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਯੁਗਾਂਡਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
जेडे वसुंधरा ओसवाल ने युगांडा दे विच लापता ने। फिलहाल दी कड़ी दे विच कोई भी मदद जेड़ी है परिवार नू नहीं मिल पा रही है। अगे की कुछ कदम जेड़े ने चुके जाणगे ए आउण वाले समय दे विच ही पता लगेगा, पर फिलहाल दी कड़ी दी सब तो वड्डी अपडेट जेड़ी है देखण नू मिल रही है कि लुधियाना शहर दे ओसवाल परिवार दे जेड़े स्वर्गीय अभय ओसवाल ने उन्हां दी पोती युगांडा देश दे विच लापता है। अगे की कुछ होएगा इस मामले दे विच ए आउण वाले समय दे विच देखणा होवेगा। लुधियाना शहर के ओसवाल परिवार से स्वर्गीय अभय ओसवाल की पोती वसुंधरा ओसवाल युगांडा देश दे विच लापता है। एक नहीं दो नहीं बल्कि 17 दिनों तो वह लापता ने। कोई भी कॉन्टैक्ट जिहड़ा फिलहाल की घड़ी दे विच नहीं किया जा सकिया। तो कली कली गल जिहड़ी इस खबर नूं लैके तुहाडे नाल जरूर ही सांझा करांगे। दस दिए कि सेंट्रा ग्रीन टाउनशिप के मालक स्वर्गीय अभय ओसवाल की पोती ने वसुंधरा ओसवाल जो कि देख सकते हैं कि युगांडा देश दे विच फिलहाल दी कड़ी दे लई लापता ने। कली कली गल जरूर ही दसांगे तुहानूं। भारतीय मूल दे उद्योगपति पंकज ओसवाल ने युगांडा दे खिलाफ संयुक्त राष्ट्र दे विच अपील दायर कीती है। मीडिया रिपोर्टां दे मुताबक उसने दावा कीता है कि उसकी 26 साल धी वसुंधरा ओसवाल पिछले 17 दिनों तो युगांडा दे विच गैर कानूनी ढंग दे नाल नजर बंद है। उते उस नाल माड़ा सलूक किया जा रहा है। असीं नहीं कह रहे बल्कि ये तमाम गल्लां जेड़ियां ने चर्चावां ने। अगे ये भी जरूरी दस दिए कि चर्चावां सामने आ रही ने कि पंकज ने संयुक्त राष्ट्र दे कारज समूह दे सामने अपील दायर करते हुए कहा है कि ओ वसुंधरा नाल संपर्क करन दे योग नहीं ने ते ना ही उन्हां नूं कानूनी मदद मिल रही है। अजे तक भारत सरकार जां संयुक्त राष्ट्र दे किसी अधिकारी ने इस मामले ते कोई भी टिप्पणी नहीं कीती है। पंकज ओसवाल दी धी पीआरओ इंडस्ट्रीज की कार्यकारी निर्देशक है ते कंपनी दे मामलियां नूं संभालदी है। उसका युगांडा दे विच वी कारोबार है। रिपोर्टां दे मुताबक वसुंधरा नूं युगांडा दे ओसवाल दे प्लांट तो करीब 20 हथियारबंद व्यक्तियां ने फड़ लिया सी। गिरफ्तार किए जाण तो पहला उसने अपनी पछाण जां वारंट नहीं दिखाया। पंकज ने यह भी दावा किया कि कारपोरेट ते सियासी हेराफेरी कारण उसकी धी की गिरफ्तारी हुई है। उस विरुद्ध कोई सबूत नहीं है, इसलिए उसनु गैर कानूनी तौर पर हिरासत विच रखा गया। तां कुल मिला के इस वेले की सब तो वड्डी खबर सामने आ रही है लुधियाना शहर के ओसवाल परिवार के स्वर्गीय अभय ओसवाल की पोती इस वेले युगांडा देश दे विच लापता है। हालांकि सारिया चर्चावां जिहड़ियां ने फिलहाल की घड़ी सामने आ रही ने, यह भी गल्लां देखियां जा सकदियां ने कि पंकज ओसवाल का कहना है कि एक साबका कर्मचारी ने ओसवाल के परिवार के नाल गरेंटर वजो $2,00,000 का कर्जा लिया। जो ओसवाल परिवार ने गरेंटी लैण तो इनकार कर दिता तो उसने वसुंधरा से झूठे दोष लगा दते। बाद विच ओ व्यक्ति युगांडा भज गया। हुण देख सकते हैं कि जेडे वसुंधरा ओसवाल ने युगांडा दे विच लापता ने। फिलहाल दी कड़ी दे विच कोई भी मदद जेड़ी है परिवार नू नहीं मिल पा रही है। अगे की कुछ कदम जेड़े ने चुके जाणगे ए आउण वाले समय दे विच ही पता लगेगा। पर फिलहाल दी कड़ी दी सब तो वड्डी अपडेट जेड़ी है देखण नू मिल रही है कि लुधियाना शहर दे ओसवाल परिवार दे जेड़े स्वर्गीय अभय ओसवाल ने उन्हां दी पोती युगांडा देश दे विच लापता है। अगे की कुछ होएगा इस मामले दे विच ए आउण वाले समय दे विच देखणा होवेगा। लुधियाना शहर के ओसवाल परिवार से स्वर्गीय अभय ओसवाल की पोती वसुंधरा ओसवाल युगांडा देश दे विच लापता है। एक नहीं दो नहीं बल्कि 17 दिनों तो वह लापता ने। कोई भी कॉन्टैक्ट जिहड़ा फिलहाल की घड़ी दे विच नहीं किया जा सकिया। तो कली कली गल जिहड़ी है इस खबर नूं लैके तुहाडे नाल जरूर ही सांझा करांगे। दस दिए कि सेंट्रा ग्रीन टाउनशिप के मालक स्वर्गीय अभय ओसवाल की पोती ने वसुंधरा ओसवाल जो कि देख सकते हैं कि युगांडा देश दे विच फिलहाल दी कड़ी दे लई लापता ने। कली कली गल जरूर ही दसांगे तुहानू। भारतीय मूल दे उद्योगपति पंकज ओसवाल ने युगांडा दे खिलाफ संयुक्त राष्ट्र दे विच अपील दायर कीती है। मीडिया रिपोर्टां दे मुताबक उसने दावा कीता है कि उसकी 26 साल धी वसुंधरा ओसवाल पिछले 17 दिनों तो युगांडा दे विच गैर कानूनी ढंग दे नाल नजर बंद है। उते उस नाल माड़ा सलूक किया जा रहा है। असीं नहीं कह रहे बल्कि ये तमाम गल्लां जेड़ियां ने चर्चावां ने। अगे ये भी जरूरी दस दिए कि चर्चावां सामने आ रही ने कि पंकज ने संयुक्त राष्ट्र दे कारज समूह दे सामने अपील दायर करते हुए कहा है कि ओ
वसुंधरा नाल संपर्क करन दे योग नहीं ने ते ना ही उना नू कानूनी मदद मिल रही है। अजे तक भारत सरकार जां संयुक्त राष्ट्र दे किसी अधिकारी ने इस मामले ते कोई भी टिप्पणी नहीं की है। पंकज ओसवाल दी धी पीआरओ इंडस्ट्रीज दी कार्यकारी निर्देशक है ते कंपनी दे मामलियां नू संभालदी है। उसका युगांडा दे विच वी कारोबार है। रिपोर्टां दे मुताबक वसुंधरा नू युगांडा दे ओसवाल दे प्लांट तो करीब 20 हथियारबंद व्यक्तियां ने फड़ लिया सी। गिरफ्तार किए जाण तो पहला उसने अपनी पछाण जां वारंट नहीं दिखाया। पंकज ने यह भी दावा किया कि कारपोरेट ते सियासी हेराफेरी कारण उसकी धी की गिरफ्तारी हुई है। उस विरुद्ध कोई सबूत नहीं है, इसलिए उसनू गैर कानूनी तौर पर हिरासत दे विच रखा गया। ता कुल मिला के इस वेले की सब तो वड्डी खबर सामने आ रही है लुधियाना शहर के ओसवाल परिवार के स्वर्गीय अभय ओसवाल की पोती इस वेले युगांडा देश दे विच लापत है। हालांकि सारिया चर्चावां जिहड़ियां ने फिलहाल की घड़ी दे विच सामने आ रही ने, यह भी गल्लां देखियां जा सकदियां ने कि पंकज ओसवाल का कहना है कि एक साबका कर्मचारी ने ओसवाल के परिवार के नाल गरेंटर वजो $2 लाख का कर्जा लिया। जदों ओसवाल परिवार ने गरंटी लैण तो इनकार कर दिता तो उसने वसुंधरा ते झूठे दोष लगा दिते। बाद विच ओ व्यक्ति युगांडा भज गया ते हुण देख सकदे आं कि जिहड़े वसुंधरा ओसवाल ने युगांडा दे विच लापता ने। फिलहाल की कड़ी दे विच कोई भी मदद जिहड़ी है परिवार नूं नहीं मिल पा रही है। अगे की कुछ कदम जिहड़े ने चुके जाणगे इह आउण वाले समें दे विच ही पता लगेगा। पर फिलहाल की कड़ी दी सब तो वड्डी अपडेट जिहड़ी है देखण नूं मिल रही है कि लुधियाणा शहर दे ओसवाल परिवार दे जिहड़े स्वर्गीय अभय ओसवाल ने उन्हां दी पोती युगांडा देश दे विच लापता है। अगे की कुछ होएगा इस मामले दे विच इह आउण वाले समें दे विच देखणा होवेगा।